नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे सुपरहिट फिल्म पुष्पा द राइस के बिहाइंड द सीन्स एंड फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, फिल्म की दमदार सक्सेस तो सभी देखते हैं, पर एक सक्सेसफुल फिल्म बनाने में जो मेहनत लगती है ना, वो काफी कम लोगों को ही पता होगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको कुछ जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है अल्लू अर्जुन के वॉइस को लेकर, यानी पुष्पा मूवी को हिंदी में जिसने आवाज दिया है वो कोई और नहीं बल्कि श्रेयस तलपड़े है। पुष्पा नाम से उनके इस काम को काफी तारीफ मिली है, एंड हिंदी में अल्लू अर्जुन की जो रियल वॉइस भी है ना, वो श्रेयस तलपड़े से काफी मिलती है। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। तो दोस्तों, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म की स्टोरी कीमती लाल चंदन लकड़ी की स्मगलिंग पर आधारित है। प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार सर ने। आपको पता होगा इस फिल्म का हीरो है अल्लू अर्जुन, और इस फिल्म में इनका साथ दिया है साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने। अगर आपने पुष्पा देखी है तो आपको ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन मैं ये काफी खतरनाक है। तो जब आप यहाँ पे देखे होंगे कि जब अल्लू अर्जुन अपने साथी के साथ लाल चंदन की लकड़ी को जो ट्रक थी उसे लेकर भागता है, एंड रास्ते में जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वे और उसके साथी ट्रक को जंप करा लेते हैं बैरिकेड से। तो ये उस समय का सीन है। एक्चुअल में ये सीन स्टंटमैन या बॉडी डबल द्वारा किया गया था, एंड आप देख रहे हो कि उन्होंने हेलमेट पहन रखी थी, किसी भी प्रकार का चोट वोट कुछ भी नहीं लगा, एंड ये जो सीन था शूट किया गया, ये काफी सक्सेसफुली हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं इस फिल्म के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ये फिल्म जो है 17 दिसंबर 2020 को हिंदी समेत अन्य चार भाषाओं में रिलीज हुई थी। फिल्म की शूटिंग का ज्यादातर लोकेशन कर्नाटक और हैदराबाद के इलाकों में हुई थी। यही के लोकल एरिया में जितने भी सीन आपने देखे थे वो सारे शूट करे गए थे। यही पे फाइटिंग एंड झील का भी सीन फिल्माया गया था। वो अंटावा सॉन्ग का जो ये बिहाइंड द सीन आप देख रहे हैं, इसे समांथा ने काफी अच्छी तरीके से किया है, एंड जो इसका हार्डवर्क है वो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, एंड इन्होंने मेहनत करी है तो इसका फल भी तो इन्हें मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही पुष्पा मूवी का जो आइटम सॉन्ग है उस एक गाने के लिए इन्हें 1.5 करोड़ रुपीस मिले थे। तो हार्डवर्क तो बनता है ना। श्रीवल्ली गाने को इसी लेक पर फिल्माया गया था, एंड आप अभी सुकुमार को जो खाट कसते हुए देख रहे हैं, एक्चुअली ये रश्मिका मंदाना को डायरेक्शन दे रहे हैं, जिसे आपने सॉन्ग में भी देखा था श्रीवल्ली गाने में। एंड यही पर इस झील में अल्लू अर्जुन बाल्टी से नहाते दिखे थे। ये सीन मंगलम श्रीनु के सेफ हाउस का है। यही पर मंगलम श्रीनु के सेफ हाउस को बनाया गया था। यही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपने जो चंदन के लकड़ी थी वो इसी जगह पर छुपा के रखी थी। जब पुलिस इसे खोजते हुए यहां पर आ जाती है तो बाद में उसे पुष्पराज नदी के रास्ते बहा देता है। चंदन की लकड़ी को वाटरफॉल के थ्रू नदी में गिराने का जो सीन था आपने देखा था, वो केरल की एक मशहूर वाटरफॉल में फिल्माया गया था। एंड आपने इस सीन में देखा होगा कि जितने भी लकड़ियां थी वो एक जगह नदी में उसे कलेक्ट कर लिया था। मूवी में किसी भी प्रकार के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। आपने जितने भी लाल चंदन के पेड़ की कटाई और लकड़ियां देखे थे वो सभी फोम के बने हुए थे। उन लकड़ियों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उन पर कलर किया गया था। ये उस समय का सीन है जब श्रीवल्ली की शादी पुष्पराज से होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी ये शादी नहीं हो पाती है, एंड उसके बाद पुष्पराज अपनी माँ को लेकर जिस हॉस्पिटल में जाता है ना, ये उसी वक्त का सीन है। जो लास्ट में आप ये सीन देख रहे हैं, ये सामी सामी सॉन्ग का है। तेलुगु हिंदी समेत तीन भाषाओं में ये जो सॉन्ग है वो रिलीज हुई है। ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो पुष्पा के सभी सॉन्ग्स एक से बढ़कर एक है, एंड ये सॉन्ग भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, एंड इस सॉन्ग के पीछे भी काफी ज्यादा मेहनत है। एंड यहाँ आप देख रहे हैं कि सुकुमार सर खुद ही इस सॉन्ग का जो सिग्नेचर स्टेप है वो उन्हें बता रहे हैं। 2021 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा बनने में लगभग 120 करोड़ की खर्च हुई है। तो अब जानते हैं कि फिल्म की स्टारकास्ट ने इस फिल्म को पूरी करने में कितनी फीस ली है। अल्लू अर्जुन ने अपने बढ़ते फैन फॉलोइंग के वजह से ये फिल्म करने के लिए पूरे 30 करोड़ रुपए की फीस ली है। सूत्रों का मानना है कि रश्मिका मंदाना ने ये फिल्म करने के लिए पूरे 5 करोड़ फीस ली है। आपको तो पता ही होगा, सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए समांथा शॉकिंगली 1.5 करोड़ रुपए लिए है। बाकी सभी कोस्टार्स को भी ये फिल्म को पूरे करने के लिए अच्छे खासे पैसे मिले हैं। पुष्पा मूवी ने फिर एक बार साउथ इंडियन फिल्म की क्रेज को जस्टिफाई किया है। ये तो हम फिल्म की टोटल कमाई जानने के बाद ही समझ सकते हैं दोस्तों। किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया। इंडियन बॉक्स ऑफिस में साउथ इंडियन फिल्म का राज आज भी कायम है। वो पुष्पा फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के ऐसा बोलना सच में गलत नहीं होगा दोस्तों।
चलिए अब बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। पुष्पा फिल्म के 50 दिन की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 375 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। OTT प्लेटफॉर्म और टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देखने के बाद ये मूवी का टोटल कलेक्शन 400 करोड़ से भी ऊपर होने का अनुमान है। अल्लू अर्जुन की इंडियन और ओवरसीज मार्केट की दमदार कमाई देख के अल्लू अर्जुन एक ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार कहलाने के हकदार बन चुके हैं। फिल्म को इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी खूब सफलता मिली है। ये नेपाल का वीडियो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑडियंस ने इस फिल्म को देखकर पूरी तरह से आनंद लिया है। क्या आपको पता है कि अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी में डायरेक्टर की पहली चॉइस नहीं थे, उनसे पहले इस फिल्म को कास्ट करने वाले थे, जी हाँ, और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार महेश बाबू। पर अपने टाइम ना होने की वजह से महेश बाबू ने इस फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और वो अंटवा आइटम सॉन्ग में डांस करने के लिए बॉलीवुड सेंसेशन नोरा फतेही को ऑफर हुए थे, पर उन्होंने भी इस फिल्म के आइटम नंबर में डांस करने के लिए मना कर दिया था। आपको इस फिल्म की दूसरी दमदार फैक्ट जानने के बाद हैरानी होगी। पुष्पा फिल्म की शूटिंग में रोजाना 300 से भी ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग आंध्र प्रदेश के मारोदो मिल्ली जंगल में हुए थे। इस वजह से रोजाना पूरे टीम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। अल्लू अर्जुन को अपने कैरेक्टर में आने के लिए रोजाना 2 से 3 घंटे तक मेकअप सेशन से गुजरना पड़ता था। पुष्पा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर देखते हैं पुष्पा द राइस फिल्म को वर्ल्ड वाइड में कितनी रेटिंग मिली है। अगर आपने इस मास्टरपीस मूवी को मिस कर दिया है एंड Amazon Prime का अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।